रविवार छुट्टी वाला दिन, इस दिन स्कूल कॉलेज बैंक समेत ज्यादातर सरकारी संस्थान बंद रहते हैं। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है और बाकायदा नियम भी है कि रविवार को पूरे दिन का अवकाश रहेगा। स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों तो बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार करते हैं, लेकिन झारखंड में जामताड़ा में ऐसा नहीं होता। यहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। हालांकि ये छुट्टी सरकारी नहीं है बल्कि जबरन करवाई गई, क्योंकि यहाँ 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है। वहीं इस मामले में अब बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने आपत्ति जताई। सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल सरकारी नियम और कानून से चलना चाहिए, उसमें धर्म, जाति और पंथ के आधार पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इस प्रकार से फिरका परस्ती लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जहर डालने का काम करते हैं। जामताड़ा उसका उदाहरण है कि वहाँ पर रविवार के छुट्टी के बजाय वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है बच्चों को, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून सम्मत, नियम सम्मत, धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार का, एजुकेशन मिनिस्टर का और जो वहाँ के लोकल अथॉरिटी है सबका कहना है कि इसके बारे में खुद जानकारी नहीं है कि कितने स्कूल पर नाम मिटाकर उर्दू स्कूल लिखा गया है, जबकि नोटिफाइड स्कूल जो है उर्दू स्कूल जनता में आज नहीं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कुछ फिरका परस्ती लोग समाज को बांटने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने के लिए, शिक्षा जिस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सांप्रदायिकता चीज़ों को डालने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। राज्य की सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज करने चाहिए और ऐसे जो स्कूल के प्रशासक हैं उनको अविलंब जेल भेजना चाहिए, जेल। सरकार कह रही है कि इस मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप लोग आरोप लगाते रहे कि मैं बार बार कहता हूँ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार है। सरकार नियम सम्मत चले, संवैधानिक परंपराओं के अनुसार चले, और मंत्री जी संविधान की शपथ लिए, प्रशासनिक पदाधिकारी सांप्रदायिकता के आधार पर प्रशासनिक काम ना करें। जो गलत हुआ है उस पर कठोर